हेलो एवरीवन, न्यू टेस्ट ऑफ इंडियन करी में आपका स्वागत है और मैं साहिबा खान। इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ एक थोड़ा सा डिफरेंट ब्रेकफास्ट। असल में हमेशा मैं अपने ब्रेकफास्ट को लेकर बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ, क्या नया बनाए। मैंने थोड़ा सा नया ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश की है। मैं आज जो बनाने जा रही हूँ वो बेसन के परांठे हैं। हमने बहुत तरह के बेसन के परांठों को ट्राई किया होगा, बट ये बेसन के परांठे थोड़े से डिफरेंट हैं और उसी बेसन के परांठों को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए तो बेसन के परांठे बनाते हैं आज हम लोग मिलकर, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कम से कम यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। सबसे पहले हम इसको तैयार करते हैं और उसके बाद ये 1/2 टीस्पून अजवाइन है, अब उसको डालिए। मैंने कम से कम 1 टीस्पून यहाँ पे ऑयल डाला है। चलिए तो अब इसे हम गूंदना शुरू करते हैं। अब हमारा आटा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए तो अब हम तैयार करते हैं बेसन। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 2 बड़ी कटोरियाँ और इसमें मैं डालूंगी कटी हुई 1 प्याज, 1 हरी मिर्च और ये थोड़ा सा हरा धनिया। एक कटा हुआ टमाटर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और नमक अपने स्वाद अनुसार। फिर अब हम इन्हें मिक्स करेंगे और धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। हमें पेस्ट की तरह बनाना है ऐसे। अभी हमारा बेसन तैयार हो चुका है, अब हम करते हैं परांठे की तैयारी। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। अभी हमारा आटा बिल्कुल तैयार है, अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। ये देखिए इतनी छोटी छोटी लोइयां बनानी है। फिर अब हम इसे बेलेंगे। हमें सबसे पहले अच्छे से तेल लगाना है, पूरी तरह से हमें तेल लगा देना है। जो हमने रोटी डाली थी अब हमें उसे डालना है। ये देखिए जब आपकी रोटी आप ऐसे हो जाए, जब नीचे से अच्छे से सिक जाए, तब हम इसे पलट लेंगे इस तरह से। अब हम डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था। अब आप देखिए हमारा पूरा बेसन अच्छे से चारों तरफ से जमने लगा है। अब हम इसके बाद इस पे ऑयल लगाएंगे। अब हम इसको पलट लेंगे, बहुत आराम से ध्यान से पलटना है। हमें इस पे भी ऑयल लगाना है। अब हमें दूसरी तरफ से भी पलटना है। ये देखिए जो हमारा बेसन था वो अच्छे से पक गया है। दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है जिससे ये कच्चा ना रह जाए, और उसके बाद हम इसे अपने एक प्लेट में सर्व करेंगे। मेरे परांठे बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एक एक करके मैंने सारे परांठे बना दिए हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपको बनाने में आसानी भी होगी। और अगर आप इसी मेथड से बनाओगे तो ये बहुत ही लाजवाब और बहुत टेस्टी बनेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी तरह, जैसे मैंने किया है। तो फिर अगली बार मिलते हैं हम एक अच्छी रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। टाइप कीजिए न्यू टेस्ट ऑफ इंडियन करी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ और अपडेट की जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाइए। और जानकारी के लिए फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।